नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज इस वीडियो में मैं आपको डायरिया के दौरान बच्चों में डेंजर साइन के बारे में चर्चा करूंगा, यानी खतरों के लक्षण। आमतौर पर डायरिया ज़्यादातर केसों में वायरल होता है, जो सपोर्टिव थेरेपी से, ORS घोल से, नॉर्मल घर का खाना देने से बच्चा 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार बच्चों में डायरिया के दौरान कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है, जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या लक्षण दिखे कि आप अपने बच्चों को अतिशीघ्र अपने डॉक्टर के पास ले जाएं या हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं? तो चलिए जानते हैं डायरिया के दौरान डेंजर साइन क्या क्या हैं। सबसे पहली बात कि छोटे बच्चे, 3 महीना से छोटे बच्चे या जो बच्चे माल नरिस्ट हैं, जिनका वज़न ठीक नहीं है, वज़न कम है, वैसे बच्चों में अगर डायरिया होता है तो उसे अतिशीघ्र अपने डॉक्टर से दिखाएं। दूसरी बात, अगर बच्चा बार बार उल्टी कर दे रहा है, ORS का घोल नहीं पचा पा रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, तो इसका मतलब है उसे नस से फ्लूड देने की आवश्यकता है, IV फ्लूड देने की आवश्यकता है। तो ऐसे स्थिति में आप अपने बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाएं। यूरिन यानी पेशाब पर ध्यान जरूर दें। अगर आपका बच्चा 12 घंटा में एक बार भी पेशाब नहीं किया, तो इसका मतलब है बच्चों के शरीर में पानी की कमी है, उसे आप अतिशीघ्र डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर आपके बच्चे का पेट फूल रहा हो या फिर ORS घोल देने के बावजूद भी उसमें सुधार ना हो, या फिर बच्चे को कन्वल्सन हो जाए, जिसे हम अपने लैंग्वेज में चमकी या मिर्गी भी बोलते हैं, तो इन सारी परिस्थिति में आप बच्चों को इमीडिएट अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। तो ये सारे डेंजर साइन हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण आप अपने बच्चे में दिखे, तो आप इमीडिएटली अपने बच्चों को डॉक्टर से दिखाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।